समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अभिमन्यु वध। पांडवों के सामने न किसी की भी दाल गली, चक्रव्यूह बने कौरवों ने फिर से चाल चली। युद्ध का था सीन परेशान धर्मराज थे, खास बात वारदात तीन बाप साथ थे। संघनाथ कटे साक्षात सभी दल ने बात करने आया अभिमन्यु, मैं अपने बाहुबल से धर्म को बचाऊंगा। शत्रु पर काबू करके चक्रव्यूह के सारे द्वार को तोड़कर जो सीधा अंदर घुस जाऊंगा, तूफान बन के छाऊंगा। कौन बोला मौत से डर जाऊंगा या जीते जी मर जाऊंगा। मैं द्वार सारे बेग चले बाण जैसे ब्लेड होगा, कौरवों को खेद ऐसे कांड में ब्रह्मांड में अकेला ही डर जाऊंगा। अर्जुन का बेटा मैं भी वीरता दिखाऊंगा, अर्जुन का बेटा मैं भी वीरता दिखाऊंगा। बाणों की व्यथा होगी पूर्व सेना ध्वस्त, क्षतिग्रस्त होंगे महारथी और सारथी। मैं भारती की आरती से अस्त्र शस्त्र होंगे कट लगे हाथ से, जो आज से है आज से ऐलान न घमासान नौजवान, खानदान की बचानी आन बान और सारी जुबान लेके और आधे ज्ञान का गुमान लेके आए थे वो दुख से, और रोना नहीं है मौत की भी बोझ से, ये वीर प्रतिशोध की भी बोएगा। लड़का मात्र 16 साल का पर चुन चुन के धोएगा, कौरवों को धोएगा, आज चुन चुन के कौरवों को धोएगा। ये स्वीकार कर दुर्योधन फरार होके घाट में था, पीठ पीछे मार करके मार सके। आज भी न त्रेत साम दाम दंड भेद से न काबू हुआ एक से, जो सारे मारने एक साथ आए पीठ पीछे दाएं बाएं सामने थी घिरे चारों ओर से, बारी बारी घूम के कोई तीर लगे कैसे वीर फकीर घमासानी है, फकीर घमासानी है। अभिमन्यु ने तभी युद्ध में चक्के से छक्के छुड़ाए, मारने को आए एक छक्के से लगे जैसे हारने को बच्चे को मार करके युद्ध को विराम दिया। मिलकर घिनौना सबने काम किया, छल कपट भी खुलेआम किया, अपने मौत का खुद अपने आप इंतजाम किया, अपने मौत का खुद अपने आप इंतजाम किया। आखिर में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप अगर किसी के प्रति बुरा काम कीजिएगा तो आपको भी उसका फल बुरा मिलेगा, और आप अगर किसी के प्रति अच्छा काम कीजिएगा तो आपको भी उसका फल अच्छा मिलेगा। इसीलिए हमें दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।